दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए राखी से जुड़े हुए कैसे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पाँच छः सात ट्रिप लेके आ चुकी हूँ कि इस राखी से हम कितने सारे ट्रिप बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये राखी जो हम रक्षाबंधन ख़त्म हो जाता है तो इस तरीके की जो राखियाँ रहती हैं हम क्या करते हैं, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आज ये क्या है ना कि राखी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ये जो इस तरीके की राखी होती है ये हमारे बहुत ही काम आते हैं और बहुत चीज़ों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने राखी को उठाया हुआ है, इसका सबसे पहले जो इसमें अब आप देख पा रहे होंगे जो मोती है, स्टोन है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसको निकालने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ही नग की तरह लग रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मुझे क्या करना है। अब मुझे इसको क्या करना है कि ग्लू मैंने ले लिया है और ग्लू के ज़रिए अब मैं सिंपली अपने रिंग में दिखा रही हूँ। तो इस तरीके का जो रिंग होता है ना, अब आर्टिफिशियल जो होता है या चांदी का है, तो उसमें भी आप इस तरीके से ये जो स्टोन है इसको लगा सकते हैं। तो मैं अपने मेरा भी रिंग छल्ले टाइप में ही है तो मैं इसमें फ़िलहाल लगा के ही देख रही हूँ कैसा लगता है। लेकिन जब मैंने इसको लगा लिया, जब लगाने के बाद जब मैंने इसको पहना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे पसंद भी आया। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा है। अब देखिए अब ये जो इस तरीके की राखी होती है, अब क्या करना है, जिधर इसका बड़ा धागा है उधर की तरफ मुझे इसको छोड़ देना है और एक पीस इसमें से मुझे जो नग वाला स्टोन वाला है मुझे इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद मुझे इसमें गांठ लगा लेना है। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इसमें गांठ लगा लेना है कि ये जो मोती है ना ये इधर से उधर बिल्कुल भी ना खिसके। अब मैंने इसमें गांठ तो लगा लिया है, अब आगे की प्रोसेस भी बताती हूँ कि मुझे इसमें से कैसे करना है। अब यहाँ से धागा मुझे काट लेना है और काटने के बाद अब देख पा रहे होंगे कि ये जो गांठ जहाँ पर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे ग्लू गम से मैं इसको अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा गम लगा लेती हूँ। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस पर गम लगा दिया है और गम लगाने के बाद जो स्टोन मैंने निकाला हुआ था, जैसे कि देख पा रहे होंगे ये मैंने स्टोन को लगा लिया है, इस पर थोड़ा सा ग्लू गम लगा के और मैंने लगा लिया। अब देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ये हमारा ये मांग टिक बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि बच्चे हमारे छोटे मोटे फंक्शन में जाते हैं या कहीं डांस कंपटीशन में भाग भी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ये बन चुका है। तो इसी तरीके से आप जो ये राखी को हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं, नहीं इस्तेमाल में लेते हैं, तो ये हमारी राखी जो है ना ये बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों ये छोटा सा मांग टिक बन के रेडी हो चुका है और ये जो हमारे बच्चे छोटे मोटे फंक्शन में जाते हैं उनके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिप है। अब देखिए चलिए इसको भी मैं एक मिनट साइड रख देती हूँ, अब आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ मुझे क्या करना है। अब देखिए मैंने दूसरा राखी लिया हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छा मोती भी है और बीच में एक स्टोन भी बिल्कुल वाइट नग का लगा हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं इसको भी दोनों तरफ से गांठ लगाते हुए इसको मैं अच्छी तरीके से दोनों तरफ से मैंने गांठ लगा लिया है कि ताकि इसका जो मोती है ना बिल्कुल बाहर ना निकले। और गांठ लगाने के बाद मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए अब हम सभी के घर में इस तरीके का जो स्टोन वाला राखी रहती है हम इसको खराबी समझ के फेंक देते हैं। अब देखिए मैं इसको लगाने वाली हूँ रबड़ बैंड पे। जी हाँ दोस्तों ये रबड़ बैंड पे मैं लगाने वाली हूँ इसको। हम देखिए ये मैंने एक ब्लैक लिया है रबड़ और एक वाइट एक रेड लिया हुआ है, तो जिसमें सही लगे उसमें मैं फ़िलहाल लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से लगा के मैं इसको चिपका देती हूँ। अब देखिए मेरा ये चिपक चुका है और बहुत इजीली तरीके से, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सभी को कैसा लग रहा है, मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी पसंद आया ये रबड़ वाला। इसी तरीके से चाहे तो एक रबड़ दो रबड़ तीन रबड़ में आप लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको जब अपने बालों में लगाएंगे तो कोई यकीन नहीं कर सकता है कि हमने इसको घर पर चिपकाया है। तो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट है, मैंने इसको लगा दिया है। अब चलिए आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब देखिए जो मैंने अंगूठी में नग लगाया हुआ था अब इसको भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब हमें सभी के घर में छोटे बच्चे रहते हैं, हेयर बैंड लगाना पसंद तो होता ही है, लेकिन होता क्या है अब जब हेयर बैंड पुराना रहता है, मतलब सिंपल तरीके का रहता है, तो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं कि मम्मा इस कुछ ना डिजाइन होना चाहिए। तो ये जो अंगूठी में ये जो मैंने स्टोन लगाया हुआ है, तो कुछ ये स्टोन बचा हुआ है मेरे पास और कुछ है और मोती वगैरह, तो मैं इसको भी ग्लू गन के हेल्प से मैं इसको भी इसी तरीके से हेयर बैंड में लगाने वाली हूँ। तो
दोस्तों मैं इसको भी लगाऊंगी, यकीन मानिए काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। तो मैंने जितना भी राखी थी मैं इसी तरीके से अपने हर चीज़ों में डेकोरेट करके अच्छी तरीके से एक एक से चीज़ को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसको लगा ली हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हेयर बैंड में मैंने लगाया हुआ है ये मोती काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चाहें आप तो इस पर और ज़्यादा भी डेकोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मैंने साइडों में ही लगाया हुआ है, बीच फ्रंट पे नहीं लगाया है थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा और साइडों में लगा दी हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि साइडों में थोड़ा सा लगा के और ये इसका जो हेयर बैंड का लुक है ना काफ़ी अच्छा और बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके से जब हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। अब आप देख पा रहे होंगे कुछ राखी मैंने और ले लिया है, तो एक जैसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसमें लुक चेंज है। तो इस राखी का भी मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे। तो एक ही जैसी मैंने ले लिया है और राखी को मैंने खोल लिया है अच्छी तरीके से, और तीन राखियाँ मैंने लिया है हुआ है और इसको बराबर करते हुए मैं इसको थोड़ा सा बीच में से इसको गांठ लगा लेते हैं दोनों तरफ से, यानी कि तीन राखी को मुझे एक में ज्वाइंट कर लेना है, जोड़ लेना है। और इसका जो धागा एक्स्ट्रा रहेगा मुझे इसको कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से खोल के और इसको एक ही में ज्वाइंट कर लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो धागा एक्स्ट्रा है इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों ज्वाइंटों को जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद ये जो धागा है इसको कटिंग कर लिया है। इसको थोड़ा सा अच्छा सा और लुक देने के लिए अब मैं इसको जो गांठ लगाई हूँ ना इसको थोड़ा सा बराबर करते हुए इसके ऊपर भी स्टोन लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसके ऊपर भी जो मोती थोड़ा अच्छा सा लगे, ये ढक जाए गांठ, तो इसके ऊपर भी लगा लेंगे। और दोस्तों ये हमारा माला ना काफ़ी अच्छा, बच्चे जो फंक्शन वगैरह छोटी मोटी पार्टी वगैरह में जो वैसे भी भाग लेते हैं बच्चे, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छा माला ये बन के रेडी हो जाता है। तो है ना दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे राखी से हम अपने घर में बच्चों के लिए टिप और ट्रिप बनाएँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, और बच्चे भी काफ़ी बेहद तरीके से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो राखी में स्टोन वगैरह रहता है ना ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए अब ये जहाँ पे गांठ लगाया था ना मैंने, थोड़ा सा ये राखी में से ही जो मोती थोड़ा सही लग रहा है इसको मैं लगा देती हूँ। अगर ये नहीं पसंद आ रहा है तो मैं अभी दूसरा थोड़ा सा लगा दूँगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ मैंने इसमें थोड़ी सी जो लंबी वाली मोती होती है मैंने वही लगाया हुआ है, तो मुझे भी थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें दूसरा एक स्टोन सा लगाने वाली हूँ। तब आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरा काफ़ी अच्छा बिल्कुल ये माला बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिप था, ये काफ़ी अच्छा भी है, और इस तरीके से देखिए थोड़ा सा लंबा मैंने माला बना दिया है। तो अब माला को ये पीछे वाला जो धागा है इसको हम मुझे बराबर कर लेना है। अब देख पा रहे होंगे हमारा बहुत ही प्यारा माला बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से बच्चे छोटे मोटे फंक्शन वगैरह में ये इस माले को पहन सकते हैं, अब बहुत ईजी और आसान तरीके से बन भी जाता है, अब बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में इस तरीके की बालियाँ होती है, तो मेरी गोल्ड की है फिलहाल मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो कितने लोग हैं ना कि आर्टिफिशियल भी पहनते हैं तो प्लेन बाली रहती बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो अभी देखिए इसमें मोती मेरे बाली में नहीं जा रहा है, तो जो रेडीमेड बाली वैसी आर्टिफिशियल होती है वो थोड़ा पतला होता है और उसमें बहुत ईजी तरीके से मोती चली जाती है। तो इसको आपको कैसे करना है, एक मोती मतलब ये जो मैंने धागा बांधा हुआ है दोनों को एक इधर डाल लेना है, एक उधर डाल लेना है मोती, और बीच में ये जो लाल धागा बांधा हुआ है इसको बांध लेना है। अब देखेंगे कि ये जो मोती है ना ये काफ़ी अच्छा लुक ले आता है, और इस तरीके की बाली आप पहन के आप पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हैं, कोई यकीन नहीं करेगा। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ एक एक मोती डाल लेना है। बाली भी हमारी तैयार हो गई है, और दोस्तों अब इसी तरीके से हमारा ये बहुत सारे आइटम भी बना के मैंने रेडी कर लिया है, 5 से 6-7 मैंने बना दिया है बिल्कुल राखी से, अब बिल्कुल इजीली तरीके से बना दिया है। जी हाँ दोस्तों आज का ये छोटा छोटा टिप और ट्रिक आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद आता है राखी के जरिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। दोस्तों मुझे जान के बहुत ज़्यादा बेहद खुशी होती है कि हमारी वीडियो कौन से गाँव कौन से शहर तक के पहुँच रही है। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।